हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कोरोना का कहर अभी घटा नहीं कि एक और भी मुसीबत ब्लैक फंगस आ गई है, जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत चिंता है कि क्या होती है ब्लैक फंगस, कैसे इसको पहचाने और कैसे इससे बचें। तो इस सब की जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले जानते हैं कि ये म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है। दोस्तों, यह एक फंगल डिजीज है। अब सवाल आता है, ये फंगस क्या होता है? फंगस को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि जैसे ब्रेड के ऊपर उल्ली लगती है, ये उसी प्रकार की, उसी काइंड की यह डिजीज होती है। लेकिन यह डिजीज तीन लोगों को इनका होने का खतरा ज्यादा है। उनमें सबसे पहले आता है डायबिटीज यानी शुगर के मरीज। जिन लोगों की शुगर अनकंट्रोल रहती है उन लोगों को इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरा आता है जो लंबे समय तक स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। लंबे समय से मतलब है किसी को 6 महीने, साल या 2 साल से वो स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कारण उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इस कारण से इस ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण आता है कि जो लोग किसी प्रकार का जैसे लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट या किसी को डायलिसिस चलता है, जिनकी इम्यूनिटी इन कारण कमजोर, उसके कारण में आता है कैंसर, जिनकी दवाई कैंसर की चल रही है और काफी समय से उसका इलाज करवा रही हैं। और दूसरा है कि जो कई समय से आईसीयू में पड़े हुए हैं, मतलब उनको 15-20 दिन हो गए हैं या महीना हो गया है वो आईसीयू में पड़े हैं, चाहे किसी भी डिजीज के कारण है, उनको ऑक्सीजन लगी है, तो उनमें भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग कोरोना के मरीज हैं और जिनको कोरोना के इलाज के दौरान आईसीयू में ऑक्सीजन लगी थी, उनमें इनके चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि जब हम ऑक्सीजन लगाते हैं तो ऑक्सीजन डायरेक्ट मरीज को नहीं देते हैं, उसको एक फ्लो मीटर के थ्रू, जिसमें एक पानी होता है उसके थ्रू पास करके ही ऑक्सीजन देते हैं। तो उस कारण से इसके ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि यह जो फंगस है हमेशा नमी वाली चीज से ही होती है। अब यह जानते हैं कि इसका संक्रमण कैसे फैलता है। तो यह संक्रमण मुंह और नाक के रास्ते फैलता है, और दूसरा जहां पर कोई कटी त्वचा हो, यानी कहीं चोट लगी हो या जहां पर कोई स्किन में बर्न हो, जहां से त्वचा किसी प्रकार की खराब हो, वहां से ये फंगस एंटर कर सकता है और आदमी को बीमार बना सकता है। अब इनके लक्षणों के बारे में जानते हैं कि किस तरह से पहचानने की किसी को ब्लैक फंगस का अटैक हुआ है। तो इसके लिए नाक और आंख के पास काले रंग के ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, और जब हम नाक को साफ करते हैं तो उसमें से काले या लाल रंग का स्राव निकलता है, सेक्रीशंस निकलती हैं। इसके अलावा जबड़ों में दर्द होना, चेहरे के एक तरफ सूजन होना या आधे सिर में दर्द होना, एक तरफ की आंख का लाल होना या उसमें दर्द होना, और साथ ही साथ आंखों में धुंधलापन आना और किसी प्रकार की देखने में परेशानी होना, और आंख और नाक के पास की त्वचा जो है वो काली दिखाई देती है। इस तरह से हम ये आसानी से पहचान सकते हैं कि ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। अब बात करते हैं कि इससे बचे कैसे या इसको कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले तरीका है कि अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में करें, और जो आप स्टीरॉइड्स खा रहे हैं उसके लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करके उसकी डोज को कम करें। और तीसरा है कि ये बताया है कि धूल मिट्टी वाली जगह जहाँ पर ये नमी होती है, तो ऐसी जगह पर जाने से बचें, शरीर को पूरी तरह से ढककर रखें और किसी प्रकार की चोट से बचें, क्योंकि चोट लगने की जगह से भी यह फैलता है। इस प्रकार से हम कुछ सावधानियां रखकर इस डिजीज को होने से बचा सकते हैं। और अगर मान लो किसी की जो हो भी गई, तो इसका इलाज आप अपने अपना करें, डॉक्टर की मदद से करें, और इसका इलाज लगभग 4 से 6 हफ्ते तक का लंबा हो सकता है। तो बेहतर है कि इलाज कराने से कि इसका परहेज किया जा सके, ताकि किसी प्रकार के लंबे इलाज जो कि महंगा भी है उससे बचा जा सके और होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सके। तो दोस्तों, ये था सब म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लोगों को अवेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और सजेशन भेजते रहें। थैंक यू।